सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसे बड़े लंबे समय से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे खूबसूरत गांव रतुड़ा से बढ़िया धूप के साथ, और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। 11 बजे तक हम लोगों ने लगभग 11 बजे तक यहाँ पूरा आधा दिन हो जाता है। जैसे हम लोग देहरादून में रहते थे तो 11 बजे तक ऐसा होता था कि अभी तो सुबह ही हो रही है, लेकिन यहाँ पूरा आधा दिन हो गया है। हम लोग नाश्ता निपटा चुके हैं, हम लोग जितने भी हमारे आगे पीछे जितने भी काम हैं हम सब निपटा चुके हैं, और इतनी गर्मी हो चुकी है कि स्वेटर भी उतार चुके हैं। यहाँ तक कि सूरज भी नहा गया है, जो कि कभी नहीं नहाता था ये, आज तो सूरज भी नहा गया क्योंकि माहौल ऐसा हो गया कि इतनी गर्मी हो गई, इतनी धूप हो गई, तो अब नहाना ही पड़ेगा। यहाँ पे दादी बैठी हुई है, वहाँ पे साहिल बैठा हुआ, मनीषा बैठी हुई है, सब लोग धूप सेक रहे हैं। और आज मैंने ये काम भी करा, मतलब ये जो हमारे जितने भी यहाँ घर में फोटोज थे, ये मेरे पापा को मिला हुआ था, ये मेरे पापा को मिला हुआ था, ये मुझे मिला था कॉलेज से बीएड में, और ये किसी ने गिफ्ट दिया था, और ये सारी चीजें जो भी थी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हाथी। ये हाथी हमारे पास बहुत पहले से है घर में, पहले ये बहुत बड़ा लगता था, थोड़ा सा छोटा लगता है, ये लकड़ी का हो तो भी बहुत ज्यादा भारी है। तो ऐसा होता नहीं है, पहले जो चीजें हमको बहुत बड़ी लगती थी, किसी का बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी चीजें, ये हाथी हमको उठाना ही बहुत मुश्किल होता था, शायद इसलिए क्योंकि हम छोटे थे उस समय। और अब ये हल्का सा हो रहा है, लेकिन प्यारा बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे पापा पता नहीं कहाँ से लेके आए, हाँ मेरे पापा ने हमेशा मतलब ऐसे ऐसी चीजें लेके आते थे शुरू से ही, मतलब कि अच्छी अच्छी जो होती नहीं थी किसी के पास। और हम लोग जैसे मेरे पापा घर आते थे तो ऐसी ऐसी चीजें लेके आते थे, हम लोग स्कूल में दिखाने के लिए लेके जाते थे कि मेरे पापा ये लाए वो लाए। तो ये हाथी उनमें से एक है, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है इसका। तो आज मैंने एक बाल्टी पानी लेके थोड़ा सा इन पे हाथ मार दिया। वैसे तो एक दो दिन में इन पे फिर से हम चले जाएंगे तो धूल हो जानी है, लेकिन फिर भी जब आ रखे हैं तो काम करने में क्या जा रहा है। घाम बेटा अभी नहीं है क्या है? इस दिमाग देख रहे इसका, लोग कह रहे धूप कहाँ से मिलेगी हमको। जितने भी लोग हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं कह रहे तुम्हारा बढ़िया है यार, तुम लोगों को ठंड का एहसास भी नहीं होता होगा, तुम्हारे मजे हैं। और इसको देख रहे ये सो गया अंदर। तो ये हल्दी हम लोगों ने आज छत में रख दी है क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा धूप नहीं थी, तो हमने कहा इसको छत में अलग से रख दो क्योंकि इसका काम तो पूरा हो ही चुका है। तो आज हमने इसको यहीं पे रख दिया। और ये तकिए पहले मेरे पापा बनाते थे इनको, कुछ भी इनके अंदर डाल के, अब हमने इनको बाहर फेंक दिया क्योंकि अब इतने बड़े तकिए कोई रखता नहीं है, तो लोगों को लाइट लाइट वेट चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने इनको साइड कर दिया। अनु कोई दिखे ना दिखे, अनु जरूर दिख जाती है सुबह सुबह, हाई कर दे। हाँ हेलो भाई साहब, चलो चलो। तो फिर अभी मैं हूँ अपने रतुड़ा मार्केट में, और मैं कितने टाइम बाद मार्केट आ रही है यार, मतलब वही पैदल रास्ते। और ये सामान है कि जो कि मेरी एक दोस्त आ रही है, तो मैं उसको ये सामान देने वाली हूँ, तो वो यहाँ से गुजरेगी, वो लोग जा रहे हैं गौचर मेला, तो मैं तो आज जा नहीं रही, शायद कल तक जाऊँ, तो इसलिए ये सामान हो चुका है रेडी। और ये है हमारे रतुड़ा मार्केट का सीन। पहले जब हम लोग गाँव में रहते थे ना, तो ये तब ये रोड बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बिल्कुल कंजेस्टेड थी, लगा लो कि ये वाला सेक्शन हुआ करता था। लेकिन अब ये बद्रीनाथ हाईवे बन गया है, तो अब इतनी चौड़ी रोड हो गई, इतना चौड़ा मार्केट हो गया हमारा। और ये आपको जो सामने दिख रहे हैं ना, ये साहिल और लक्की हैं, ये मेरे साथ आए थे नीचे और गायब हो गए। रुक जाओ जरा सा, सुनो मैं ये सामान देने वाली हूँ किसी को, ठीक है? उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, पता है हम लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ? अभी खाना बनाने का टाइम है, जो कि हम लोग जा रहे हैं पुष्कर भैया के होटल में, क्योंकि वहाँ पे है वाईफाई, और मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो हो रही है 16 GB 17 GB की, और इतना नेट तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने कहा वहाँ पे जाके दो चार वीडियो अपलोड करके आ जाती हूँ। देख रहे हो कितना स्ट्रगल है, मतलब एक चीज के लिए इतने दूर से नीचे पैदल आओ, फिर ये करो करो, है दिक्कत है कि नहीं है बताओ? दिक्कत है लक्की देखकर कहो जल्दी कौन लक्की इतना है थोड़ी कैमरे में दिख रहा है। आ चुकी है हमारी वो दोस्त जिसकी हम बात कर रहे थे, ये है सिम्मी, ये लोग जा रहे हैं गौचर मेला। मुझे भी जाना था पर मेरी माँ ने जाने नहीं दिया मुझे ये पुराने जमाने वाली बात होगी, मेरी माँ ने जाने नहीं दिया। ये है हमारा उधर काला, कह रहा था मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, है ना? ब्रांडेड है तो ब्रांडेड ही पहनेगा, है ना? आईफोन ले रखा है तुमने मेरे फोन से ज्यादा तेरी मम्मी, यहाँ मम्मी का फोन दिखा, ए यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, सुन तेरी मम्मी के बराबर फोन लेने का पैसा ही नहीं था मेरे पास, S23 Ultra देख ये फोन, मेरे पास पैसा ही नहीं था तब मेरे को आईफोन लेना पड़ा। आईफोन भी तो महंगा फोन है भाई, ऐसे कैसे जा सकती है यार, सुंदर लोगों के साथ कहाँ मेरी इज्जत होगी यार चलो तब हाँ बाय, ये मेरे भाई लोग हैं, ठीक है ठीक है, बाय बाय। अरे चल बना, ये मनोज भैया की गाड़ी है, जैसे हम जाने लग गए लक्की लक्की नहीं गया, लक्की की फट गई तब तक लक्की अपने पाप को देख के ऐसे हो जाता है। तो पुष्कर भैया के होटल तक जाने के लिए मैंने थोड़ा सा सुमित का सहारा लिया, लिफ्ट ले ली मैंने उससे, मैंने कहा थोड़ा मुझे वहां तक छोड़ दे क्योंकि बहुत आफत आ रही, बहुत दूर है
100 मीटर या 200 मीटर तो होगा ही कम से कम, 300 मीटर होगा। तो बिल्कुल सामने आ जाएगा होटल, वहाँ से हम लोग पुष्कर भैया को एक कष्ट देंगे। खतरी क्या पढ़ा? खतरी कुक्स कैबिन एंड रेस्टोरेंट, फुल हो रखा भयंकर है। तो फिर ये है हमारे भैया का खतरी कुक्स एंड कैबिन। तो मैं बहुत पहले यहाँ आई थी, हमेशा कुछ न कुछ चेंजमेंट होता रहता है, और इस बार वाला जो हुआ है ना, मतलब बहुत ही बेहतरीन है, इतना मजा आ रहा है। पहले इतना बड़ा नहीं लगता था, पहले यहाँ तक टेबल वगैरह हुआ करती थी, यहाँ पे किचन होता था, लेकिन अब किचन बिल्कुल सेपरेट हो गया है और पूरा होटल यहाँ तक। प्रणाम भ्राता श्री, ये है हमारे भ्राता श्री के। मैं सोच रही हूँ कि तब तक यहाँ पे आ रही थी, थोड़ा दो तीन वीडियो अपलोड कर लूँ, और तब तक हम लोग खा रहे हैं चाउमीन। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, मतलब ये क्या ही बताएं, भैया लोगों ने थोड़ा हमारे चाउमीन में टाइम लगा दिया, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो रहा है और बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, मतलब प्रॉपर उन लोगों को भी टाइम नहीं मिल रहा है। भैया लोग पता नहीं इतना काम कैसे करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर हमारे पीछे है हमारा रतुड़ा मार्केट, और हम लोगों ने एक चीज सोची हुई है, इस रतुड़ा मार्केट से हमारा घर है लगभग 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, कितने? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है। तो हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि हम लोग केवल पहुंचेंगे 10 मिनट में घर। यहाँ टाइम दिखाओ, अभी पैसे गिर रहे पार, पार। चलो ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 1:42, ठीक है। तो लगभग कितने पे? 1:42। तो यहाँ पे हो रहा है 1:42, ठीक है, 1:42 हो रहा है। तो 1:52 तक हम लोगों को घर पहुँचना है, चौक में देखेंगे, वहीं पे हम लोग एक टाइम खत्म करेंगे अपना, ठीक है। साइड पहुंचते ही सीधे आपको टाइम बताएंगे। तो चले करें स्टार्ट, चलो ले पकड़। ये है हमारे ऐसे चढ़ाई। मेरे हाल कुछ ऐसे, और लक्की साहिल लोग पहुंच गए ऊपर। तो साहिल और लक्की मुझसे आगे भागे थे। अब टाइम दिखाओ भाई, हमारा घर थोड़ा सा ही रह गया ऊपर पे, टाइम दिखाओ। ये मेल इसलिए रुके, हाँ टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, दिखाओ। कहोगे टाइम 156 हो गया, देखो 156 हो गया, लेकिन फिर भी यार बहुत जल्दी आए हम लोग। भाई साहब, बाला, इसका नाम है बाला। फिर मम्मी लोग खाना पीना खा के सो चुके हैं, मैंने भी सोचा मैं सो जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं सोऊंगी, क्योंकि रात को नींद ही नहीं आती, इसलिए बहुत देर तक फिर फोन छेड़ते हैं, फिर उठ पड़ होता है, फिर सुबह उठा भी नहीं जाता है, इस चक्कर में रूटीन खराब होता है। इससे अच्छा सोना नहीं है, बाहर निकलना है, घूमना फिरना है। माना था मन्नत, तो ये है मन्नत लोगों का घर, और मैं यहाँ पे आई थी मन्नत को बुलाने, वो छत में थी और मैंने उसको नीचे बुला लिया, और वो और मैं जाएंगे एक सीक्रेट मिशन पे। देखो चुपके से आ रहे, चुपके से, सब लोग सारी जनता सो चुकी है, और मेरे माइंड में आया भाई इनमें तो उठे हुए, क्योंकि ये भी मुझे उठाते रहता है, ये सिर्फ मुझे नहीं, मेरी मम्मी इनको किसी को सोने नहीं देते, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं। मेरा क्लेचर ले लेते हैं यहाँ से, हम दोनों जा रहे हैं कहाँ? चबूतरा लेने, चबूतरा खरबूजा, चबूतरा, चबूतरा लेने के लिए, क्योंकि आजकल मन करता है ये सब चीजें खाने का ना, खटाई बनाएंगे मम्मी। तो फिर हमारा मिशन शुरू हो रहा है हमारे घर से मन्नत के साथ। अब प्रॉब्लम पता क्या है, मैं मांगने के लिए उनसे मांग लूंगी, एक तो पुष्कर भैया लोगों का कुत्ता भी नहीं आने देता है वहाँ, है ना, पर वैसे भी वो थोड़ी खाएंगे इतना ज्यादा, उनको पूरा पेड़ भरा हुआ है, और हम दो, हाँ दो पेड़ है। अच्छा एक बार ना शुरुआत में हम लोग उनके पेड़ में जा रखे थे, वो पेड़ ना उसके अंदर कुछ होता नहीं था, उस खरबूजे के अंदर क्या था, तरबूजा खरबूजा, जो भी टाइम तो जल्दी निकाल लेंगे, अब पकते हैं ना ठंडियों में, हाँ तो उस समय जल्दी निकाल लिए होंगे हमने ना, अब तो इतने सारे, और अब वो काफी भरे हुए हैं, और ये टाइम है लोगों के सोने का, तो वैसे तो हम कुत्ते के मामले में बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाले, हम पूछ के ही लेंगे उनसे कि दो दे दो हमको। तो आप लोगों को हमारे घर की लोकेशन तो पता ही होगी, यहाँ पे ये हमारा घर है, ठीक है, और हमारे घर के बिल्कुल सामने गांव है, जो उसके गांव की शुरुआत यहाँ से होती है, इस घर से, उसका नाम है गांव, इसका नाम है घेड़। तो हम लोग जा रहे हैं घेड़, तो घेड़ वाले हमारे थोड़ा सा ज्यादा नजदीक है बजाय गाँव से, गाँव तो हल्का सा दूर है ना। ऐसे तो पुष्कर भैया लोगों का घर वो वाला है, रास्ता ये है सामने से जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी एक पेड़ है, और हमारे पास एक चॉइस है कि हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पर हमको डांटेंगे, तो हम लोगों को एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, हमें पूछ के जाना पड़ेगा, वरना हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन अगर देख लिया तो इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए इनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनकी नजर में मैं तो बड़ी हूँ ना, हालांकि मेरी हरकतें वैसी हैं, पर लोगों की नजर में तो ये पहले ऐसी करती थी, लोगों की खीरा जोड़ती थी, कुछ गाड़ती थी, लोग परेशान करते थे इसने, तो मतलब अब तो मैं उनकी नजर में बड़ी हूँ, तो तमीज से रहना पड़ता है।
तो ये वही पेड़ है जिसकी मैं बात कर रही थी, देखो कितना ज्यादा भरा हुआ है। और हम लोग नजदीक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसका देख रेख करने के लिए कुत्ता बिठा रखा है। ताई जी देख रेख करने के लिए कुत्ता बिठा रखा आपने। तो हमने यहाँ पे ताई जी को पूछा कि थोड़ा सा हमको एक दो वो चाहिए क्या। अच्छा ये अभी नहीं कहा पिछले में। अच्छा तो हमने ताई जी को पूछा कि हमें एक खरबूजा चाहिए, तरबूजा चाहिए, तो हम लोग ले लें। ओहो तुम बराबर है यहाँ का चक्कर में मना पकड़। हाँ हाँ वही तो वही तो। धन्यवाद भाभी। तो हम लोगों को मिल चुकी है ये चीज। और टाइम तो इतना दिखता नहीं है लेकिन इस समय मैं आपको साफ साफ दिखाती हूँ आगे। देखो इस समय मौसम साफ होकर ना कितना अच्छा दिख रहा है सामने। ये हमारे घर के सामने का व्यू है। क्वीली कुर्जन पता नहीं क्या क्या है बीच बीच में। यहाँ पे ये चोपड़ा, ये चोपड़ा की स्कूल है। इसके अलावा ये धारकोट है, बगल पे धारकोट का स्कूल है प्राइमरी। ऊपर कांडा सिमतोली। वैसे तो खटाई बनाने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस चाहिए, मतलब संतरे भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, लेकिन हमारे पास समय कुछ नहीं है। हम सिर्फ चबूतरा खाने वाले हैं क्योंकि ज्यादा खट्टा खाने का मन है नहीं हम लोग। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे नमक भी पीस रही हूँ क्योंकि पिसा हुआ नमक हमारे पास है नहीं। तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है, जीरा डाला है और थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसको पीसूंगी मैं जल्दी जल्दी। वहाँ पर होती नहीं है। अरे वहाँ पर होती है। अरे गिरी बोल दो मुझसे गलती से। देखो कैसे बोल रही पुष्कर भैया, लोग वीडियो देखते हैं ठीक है, कैसे बोल रही उनके बारे में। एक तो वो दे भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, ये तो पहले चुनने सचनी चाहिए देखभाल। तो क्या हुआ तो देखो हम लोगों ने, मैं इतना सा नमक पीस लिया देखो ना ना ना। चलो पागल ए मम्मी ये बच्चों और तक भी तो लग दी ये खो। चलो छत में चलो, आओ छत में चलो, यहीं पे करेंगे छत में। छत में जाते हैं। अच्छा सुन एक दूसरे कटोरी को भी लेके आ, शोर मत करो, शांति से रहो, फिर लोग बोलेंगे इतने बिगड़ गए ये। और इनको तो बोलेंगे बोलेंगे मुझे बोलेंगे वो कि चलो इनका तो कोई नहीं, इसको क्या हो गया इतनी बड़ी होके। इसके गाने चलते रहते यार। चलो यहाँ पर आओ, देखो कौन आया बंदर, जैसे अभी तक भाग रही थी वैसे भाग के दिखा, दिखा चल तो भाग के देखा। लोगों ने तेरी शक्ल नहीं देखी आज तक। अरे मैं खाने को देख रही हूं। सुन वो तकिया लेके आ यहाँ पर, जरा वो जो उधर रखा है तेरे पकड़। मैं पकड़ ए कैमरा के, मैं हाथ मत धरना लगा। ले रे तो ये देखो इतने मोटे मोटे छिलके होते हैं यार इनके साथ, वीडियो में इतनी प्रॉब्लम है ना बैंगर। देखो इतने मोटे मोटे छिलके होते हैं इसके और खा सकते हैं। ये बूढ़ी कड़वा होता है ये। अच्छा ठीक ही हो रहा है, खराब क्या है इसमें। और ज्यादातर ना किसी भी चीज के मतलब जो प्रोटीन जो भी चीज उसमें होते हैं वो ना ज्यादा छिलके में ही होता है, टेस्टी नहीं होते है वो चीज़। ते बंद कर मैं। यहाँ देखो सारे कपड़े गंदे हो गए। मैं एक काम करूंगी ना, कपड़ों के यही बुरे हाल होते हैं। जन टू वन वो गुलाबी चबूतरा डर्टी माइंड ये कनाडी बुबई कति मन छिकल छैन त्यो त भित्र दुई बुन मिनी तो सबसे पहले मेहनत मैंने करी है इसको छीनने में, अपने कपड़े भी गंदे करे, इसलिए पहला बाइट मैं लूंगी। डायनामाइट सूरज भाई, डायनामाइट क्या खाना भाई, डायनामाइट बोला पूरा पैकेट कौन खाता है भाई, ये खाता है साहब नेता, बोला बोला नेता आदमी, नेता आदमी सूरज डायनामाइट एबीपी जिंदाबाद। क्या काम है तेरा, देखते चल ये सुन तेरा काम होना, ये देख सूरज भाई डायनामाइट एबीपी जिंदाबाद। आराम से खा आराम से। हाँ समय भी आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। आज के ब्लॉग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि कभी कभी ऐसा भी एडजस्ट करना चाहिए, जिस दिन अच्छी वीडियो होगी उस दिन देखा कीजिए, और कभी कभी ऐसा एडजस्टमेंट चलता रहता है। तो समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।